अरे कोई आ आइए मनु भैया, आप आ जाइए ना, आप आ जाइए, आइए भैया। देख सकते हैं ये मनु भैया हैं और मनु भैया रुकिए तो आइए 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 आइए, ये मनु भैया हैं सर, इसके साथ हो जाइएगा, दूरी बना लीजिए, सब दूरी बना लीजिए अच्छे से। गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने? गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, समाज से पूछ लीजिए आप, हम आप ले जाएंगे जो भी किए हैं, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं। क्या ये किसका मोबाइल है? समाज के लिए शादी नहीं करते, मुबारकबाद। आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त, ऐसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहते कैसी हालात थी उस वक्त, फिर भी आपको तो उसमें तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें, क्या फिर कभी आगे भी हालात बदलने वाले? कैसे आगे हालात बदल जाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था, क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए, सुने, आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है, आपकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, 164 का बयान, क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मानसिक हालत सही नहीं थी तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता है, वैसे ही रहता है, मिनट में पल भी क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू के विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे, अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम, समाज कहाँ ये कुमारी लड़की को घर में रख सकती है? शादी से आप डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है, और अभी आज ही के दिन इन्होंने बोला था कि हमने जो लिया है फैसला अपने खुद के बदौलत लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से समाज बोले तो समाज एक साल कैसे रुक सकते हैं? जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? रहना है समाज में, रहना एक समाज से यही माना जाना मोटा समाज के दबाव में आप शादी नहीं ना किए हैं? अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है, तभी तो कुछ होता है, सब सहमत है ना, समाज में रहेंगे तो समाज की बात नहीं मानेंगे। वही चीज है, लोग सामने सामने बात कीजिए। छोटू जी एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है, क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया पूछने के लायक है, ये सब जो बात बीत गया बीत गया, जब आप लोग हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं बीते हुए बात को मत लाइए तो बीते हुए बात क्यों लाइए? तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, हम रोक नहीं रहे, कभी रोके हैं। 5 महीने पहले रो रो कर बोल रही थी, चीख चीख कर बोल रही थी कि प्रेमी को मार दिया गया, छूट जाएगा, क्या हो गई है, और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने? गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, समाज से पूछ लीजिए आप, हम ले जाएंगे जो भी किए हैं, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं। क्या ये किसका मोबाइल है? समाज के लिए शादी नहीं करते, हम अच्छा जिस तरह से जो सजा की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी जो है 5 महीने के अंदर शादी हो गई है, उसके बाद सजा क्या लग रहा है कि मिल पाएगा? अरे सजा क्यों नहीं होगा, हत्या किया है, सजा क्यों नहीं होगा? सजा हत्या किया सजा होगा, शादी करा दाला कुमारी कौन रहता है दुनिया में, ऐसा कौन सवाल करता है? जिसको बार बार करे है वही सवाल करता है, उल्टा बात नहीं करना चाहिए। शादी होगा, शादी सबका होता है, शादी क्यों नहीं करेगा? अभी जाइए,
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कि फिर से यहां पे बड़ा विवाद हो गया है। एक सवाल पे भड़क गए उमेश यादव जी और लगातार आप लोग को हम लोग दिखा रहे हैं कि उमेश यादव जो है कि सवाल पे भड़क गए और पत्रकार से लड़ पड़े। अभी उमेश यादव को तमाम पत्रकारों ने घेर लिया है, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ देखिए कितने पत्रकार हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से उमेश यादव जी को घर पर लेकर जाया जा रहा है। और देख सकते हैं आप ये गेट है और